दमन ने आज 50 दिन पूरे किए हैं एंड काफ़ी टाइम बाद एक ऐसी उड़िया फिल्म आई है जिसने ये दिन देखा है, तो बहुत ही गौरव की बात है हमारे लिए, हमारी पूरी टीम के लिए, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं सारे उड़ीसा के लोगों के लिए भी ये बहुत ही गौरव की बात होगी कि एक ऐसी फिल्म आई है जिसको ना केवल उड़ीसा में बल्कि उड़ीसा के बाहर भी इस फिल्म का चर्चा हो रहा है, तो बहुत अच्छा फील हो रहा है। अभी उड़ीसा में इतना प्यार मिलने के बाद ये हिंदी में हम लोग इस पिक्चर को जल्दी से जल्दी लाने का कर रहे हैं कोशिश, एंड पूरा टीम अभी दिन रात इसी कोशिश में लगी है कि हिंदी फिल्म को जल्दी से लाया जाए। काफ़ी सारे मैसेजेस हम लोगों को आते हैं अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कि सर इसका ट्रेलर छोड़िए, डेट अनाउंस करिए। मैं सबको बस एक बात बोलना चाहूँगा कि सारा डबिंग और गानों पर का जो होता है काम, रिकॉर्डिंग पूरा हो चुका है, एंड जल्दी से जल्दी हमारा कोशिश है कि सारी जो भी फाइनल डीलिंग है वो कंप्लीट की जाए और एक डेट अनाउंस हम आप लोगों के सामने कर सकें। अच्छा, ये कुछ तो क्लू दीजिए क्योंकि लोगों का बेसब्री से इंतज़ार है कि दमन कब आएगा, कुछ तो क्लू दीजिए। शाहरुख खान का पठान आ रहा है, उसके उनके पहले ज़रूर आ जाएगा। अच्छा, शाहरुख खान के पठान से पहले आ जाएगा, पहले ज़रूर आएगा। और क्या कुछ क्लू रहेगा कि म्यूजिक कैसा रहेगा, एक ही कंपोजिशन रहेगा या कुछ और चेंजेस? देखिए, पिक्चर जैसी थी वैसी है, केवल हिंदी में हम लोगों ने डब किया है। उसके अलावा मैं बताऊं कि जो बाबूशान मोहंती का जो वॉइस है संकेत महाद्रे ने किया है। संकेत इज़ ए वंडरफुल आर्टिस्ट, इज़ ए डबिंग स्टार आई वुड से, बिकॉज काफ़ी सारा साउथ के जितने हीरो हैं, अल्लू अर्जुन है, महेश बाबू हैं, एंड साउथ की जो भी फिल्म आप सेटमैक्स पे देखते हैं मोस्टली में उनका वॉइस जाता है। सो संकेत वॉज वेरी हैप्पी बिकॉज दिस इज़ द फर्स्ट उड़िया फिल्म जो उन्होंने जिनको अपना वॉइस दिया है। उसके अलावा जो रवि कैरेक्टर है वो चंदन रॉय ने किया है, पंचायत में जो उप सचिव बने हुए हैं। तो डबिंग के मामले में हमने ये दो कैरेक्टर लिए हैं। इसके अलावा गाने की अगर मैं बात करूँ, चार फिल्म में गाने हैं जिनमें से दो गानों को दिव्य कुमार ने गाया है, एक गाने को जावेद अली जी ने गाया है और एक गाने को अभय ने गाया है। तो हम चाहते हैं कि अभी रिलीज़ में जिस तरीके से अगर हम बड़े तरीके से इस पिक्चर को अगर करते हैं प्रोजेक्ट, तो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट रहेगा। तो फाइनल फेज में ही है फिल्म का रिलीजिंग और बहुत जल्दी डेट अनाउंस हम लोग करेंगे जैसे ही सब चीज़ें कम्प्लीट होती हैं। दमन 2 के बारे में कुछ? देखिए, दमन 2 तो मेरे ख्याल से इम्पॉसिबल ही है, बिकॉज दमन एक ऐसा प्रोग्राम है जिसका नाम है दुर्गम अंचल में मलेरिया लगाकर, तो दिस इज़ ए नेम ऑफ द प्रोग्राम। तो दमन 2 जैसा तो कोई और पिक्चर नहीं बन सकता, लेकिन हाँ, हेल्थ केयर के ऊपर जरूर कोई नया पिक्चर बनाया जा सकता है जिसमें कुछ अलग इशू होगा, अलग कैरेक्टर होगा, उसके चैलेंजेस अलग होंगे, तो कुछ ना कुछ नया तो आ सकता है। ठीक है, थैंक यू।